नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अगले मिशन चंद्रयान -2 के लॉन्च की घोषणा कर दी है। ये मिशन 3 जनवरी से 16 फरवरी 2019 के बीच लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के करीब 40 दिन बाद चंद्रमा पर लैंड करेगा भारत। अगर इस मिशन में सफल हो जाता है तो वह पहला देश होगा जिसने अपने रोवर को चंद्रमा के साउथ पोल के नजदीक उतारा हो। रॉकेट के जरिए चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। बता दें कि इसी साल चंद्रयान -2 मिशन को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें आ जाने के कारण चंद्रयान के डिजाइन में बदलाव किया गया है। इसी वजह से मिशन में देरी हुई है। इसरो के चेयरमैन के सिवान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। साउथ पोल के नजदीक जाने वाले दुनिया का पहला मिशन इसरो चेयरमैन ने कहा कि चंद्रयान -2 मिशन को लेकर हमने देश भर के एक्सपर्ट्स का रिव्यू लिया है। उन्होंने हमारे प्रयासों की सराहना की है और कहा कि इसरो के अब तक के प्रोजेक्ट्स में यह सबसे अहम है और जटिल है। कि सिवान ने बताया कि चंद्रयान -2 के वजन को बढ़ाकर 3.8 टन किया गया है, जिसे GSLV के जरिए लॉन्च नहीं किया जा सकता था, इसलिए को तैयार किया गया है जिसके जरिए चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जो साउथ पोल के नजदीक जाएगा। गौरतलब है कि भारत के चंद्रयान -1 अभियान ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान -2 इसी अभियान का विस्तार है। चंद्रयान -2 मिशन के जरिए भारत दक्षिण ध्रुव के करीब 6 पहियों वाले रोवर को उतारेगा ताकि चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सके। मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्वों का अध्ययन करके यह पता लगाया जाएगा कि उसके चट्टान और मिट्टी किन तत्वों से बनी है। साथ ही वहां मौजूद खाई और चोटियों की संरचना का पता लगाया जाएगा। चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व और उसमें होने वाले परिवर्तन, ध्रुवों के पास की तापीय गुणों, चंद्रमा के आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा सहित अन्य चीजों का अध्ययन भी किया जाएगा।